हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी बी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नॉन हिंदी के महत्वपूर्ण चैप्टर, चैप्टर 4 है दोस्तों, बाल गोविंद भगत सिंह। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाल गोविंद भगत सिंह के बारे में। इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग का क्लियर होने वाला है। तो आप लोग ये वीडियो की स्किप ना कीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि समय समय पर आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और 3 चैप्टर इसका बन चुका है दोस्तों, ठीक है, 3 चैप्टर ये इसका क्लियर हो चुका है। अगर आप लोग 3 चैप्टर नहीं देखे हुए हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में देखिए, लिंक दिया रहेगा, आप लोग जाकर वहाँ से 3 चैप्टर अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखेंगे बाल गोविंद भगत सिंह के। जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में आपका कंफर्म हो जाएगा 100%, ठीक है, 100% आपका इसमें क्लियर होने वाला है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, मृत्यु के पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। ठीक है, ये देखिए 2021 के फर्स्ट टर्म एग्जाम में आया हुआ है, पुत्र के मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे। पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया है, गा रहे थे, रो रहे थे, उदास थे या नाच रहे थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा, वह गा रहे थे। चलिए आगे देखेंगे दो नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, दो नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, बाल गोविंद भगत का पुत्र, ठीक है, पुत्र की मृत्यु के पुत्र बाद पतोहू को रोने रोने के बदले क्या करने को कहते हैं। ठीक है, जो बाल गोविंद थे उनका पुत्र थे, ठीक है, उनका पुत्र का मृत्यु हो गया था, तो जो उनका पत्नी थी पुत्र के, उनका क्या कहने को बोल रहे थे। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है खुशी मनाने को, नाचने को, गाने को या उत्सव मनाने को। ठीक है, ये भी 2021 के फर्स्ट टर्म एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। इसका देखिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, गाने को। चलिए आगे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, बाल गोविंद भगत को किसे साहब मानते थे। ठीक है, बाल गोविंद भगत जो थे किसे साहब मानते थे। पहला देखिए, 2021 के सेकंड टर्म एग्जाम में आया हुआ है। पहला ऑप्शन देखिए, जैसी को, रहीम को, कबीर को, तुलसीदास को। देखेंगे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 3 नंबर का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, कबीर को साहब मानते थे। कौन मानता था, तो बाल गोविंद भगत सिंह। चलिए आगे देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, बाल गोविंद भगत सिंह, ठीक है, बाल गोविंद भगत सिर ने क्या पहनते थे, सिर में जो क्या पहनते थे। तो 2021 के सेकंड टर्म में यह भी क्वेश्चन आया हुआ है, कबीर पंथियों की किसी कनफटी टोपी, ठीक है, कनफटी टोपी बी में है, पगड़ी सी में है, गांधी टोपी और डी में क्या है दोस्तों, राजस्थानी पगड़ी, राजस्थानी पगड़ी। तो 4 नंबर का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कबीर पंथियों किसी कनफटी टोपी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, 4 नंबर हो गया दोस्तों, 5 नंबर की ओर बढ़ेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, बेटे के क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत पतोहू को क्या भेज दिए, क्यों भेज दिए थे। ठीक है, कहाँ भेज दिए लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला देखिए, 2021 के सेकेंड टर्म में आया हुआ है, मायके, बहन के यहाँ, नानी के यहाँ, चाची के यहाँ। ठीक है, तो 5 नंबर देखेंगे, 5 नंबर का आपका ए ऑप्शन राइट होगा, मायके भेज देते थे। ठीक है, मायके भेज दिए थे। चलिए आगे देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास है, बाल गोविंद भगत की प्रभाती, ठीक है, प्रभाती कब शुरू होती थी। 2021 के सेकेंड टर्म में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, अगहन में, कार्तिक में, पूस में या माघ में। इसका राइट आंसर 6 नंबर का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, कार्तिक में। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बाल गोविंद भगत ने पतोहू को किसके साथ भेज दिया। ठीक है, देखिए 2021 में आया हुआ है यह भी क्वेश्चन, भाई के साथ, पिता के साथ, बहन के साथ या चाचा के साथ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भाई के साथ भेजे थे पतोहू को।
ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आठ नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, बाल गोविंद भगत साहित्य की कौन सी विधा है। बाल गोविंद भगत साहित्य की कौन सी विधा है, देखिए पहला दिया है कहानी है, उपन्यास है, रेखा चित्र या निबंध। 2018 में और 2022 के फर्स्ट टर्म एग्जाम में आया हुआ है। तो आठ नंबर का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा? सी इज राइट आंसर, रेखा चित्र। चलिए आगे देखेंगे नौ नंबर क्वेश्चन। देखिए नौ नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, गर्मियों में बाल गोविंद भगत की संज्ञा उमस भरी शाम को भी कर देती थी, क्या निर्मल, स्वच्छ, शीतल या बोझिल। तो दोस्तों 21 का फर्स्ट टर्म में आया हुआ है, ठीक है। तो नौ नंबर का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। चलिए शीतल कर देते थे। दस नंबर देखेंगे, दस नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले बाल गोविंद भगत कहाँ ले जाते थे, जमींदार के दरबार में, कबीर के दरबार में, साहब के दरबार में या अपने घर, ठीक है। तो 10 नंबर का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों साहब के दरबार में। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, जाड़े में बाल गोविंद भगत किस रंग की कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे, सफेद, लाल, नारंगी या काली। तो ये 2021 के फर्स्ट टर्म एग्जाम में आया हुआ है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 11 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, काली कमली ओढ़े रहते थे जाड़े में। चलिए आगे देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास है, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के रचनाकार हैं। 2018 के फर्स्ट टर्म एग्जाम में आया हुआ है, प्रेमचंद्र, हरिओध, बेढ़ाव बनारसी और डी में है रामवृक्ष बेनापुरी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 12 का ऑप्शन नंबर डी होगा, रामवृक्ष बेनापुरी 2018 में आया हुआ है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी, बाल गोविंद जो भगत थे उनका उम्र कितना था। ये देखिए 2022 के फर्स्ट टर्म में आया हुआ है, 40 से ऊपर, 50 से ऊपर, 60 से ऊपर, ऑडी में क्या है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, 60 से ऊपर। चलिए आगे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब क्यों मानते थे, ठीक है। कबीर के जो थे साहब, कबीर को मानते थे क्यों बाल गोविंद भगत। पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया है, बचपन के दोस्त थे, साथ पढ़े थे, कबीर के आदेश आदर्शों पर चलते थे, या डी में दिया है कबीर के पुजारी थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, कबीर के आदर्शों पर चलते थे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, बाल गोविंद भगत कहाँ आसन जमा बैठते थे, ठीक है। पहला दिया घर के अंदर, घर के बाहर, सी में है घर के आंगन में, और डी में क्या है दोस्तों, मंदिर में। तो इसका राइट आंसर होगा 15 नंबर का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 15 का दोस्तों सी इज राइट आंसर होगा, ठीक है, सी इज राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, गोदी में, देखिए गोदी में पीवा चमक उठे, सीखियां छींकू उठे ना गाते थे, कौन, कर्पूरी ठाकुर, निराला, कबीर, बाल गोविंद भगत, ठीक है, बाल गोविंद भगत। तो 16 का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, कबीर को साहब मानने वाला पात्र है, बाल गोविंद भगत, सिरचंद, खेमा, हामिद। ये भी 2018 के सेकेंड टर्म एग्जाम में आया हुआ है। तो 17 का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, बाल गोविंद भगत जो है कबीर को साहब मानने वाला पात्र है। चलिए देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया। देखिए ये भी 2018 में आया हुआ है, बेटे की मृत्यु के दिन, बेटे के परदेश जाने पर, बेटे के जन्म के दिन या बेटे के शादी के दिन। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 18 नंबर का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा,
चलिए आगे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे, तीर्थ स्थान, गंगा स्नान करने, घूमने, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, गंगा स्नान करने। चलिए आगे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे, 1, 2, 3 या 4। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, एक ही बेटे थे। बेटे के, देखिए अगला क्वेश्चन, बेटे की मृत्यु के बाद भगत क्यों लगे, क्या करने लगे, ठीक है, रोने लगे, हंसने लगे, कीर्तन करने लगे या गाली देने लगे। तो दोस्तों 21 का जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, कीर्तन करने लगे। चलिए आगे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे। पहला ऑप्शन दिया है नाटे, लंबे, मंझले या दोस्तों विशाल, ठीक है, मझोले लिखा है, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा 22 नंबर का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, मंझोले। चलिए आगे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, भगत का बेटा कैसा था, सुस्त, चंचल, शरारती और डी में क्या है, घमंडी। तो 23 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, सुस्त। चलिए दोस्तों अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए भगत सिंह को लोग क्या कहते थे, अधर्मी, साधु, ढोंगी, आलसी। इसका राइट आंसर होगा 24 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, साधु कहते थे। चलिए आगे देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है, लेखक किसके गाने पर मुग्ध थे, ठीक है, मुग्ध थे। तो पहला ऑप्शन दिया कबीर के, ग्रामीण के, गीतकार के या भगत के। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, भगत के। चलिए आगे देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, 26 नंबर क्वेश्चन है, आगे देखेंगे, भगत की पतोहू पुत्रवधू कैसी थी, ठीक है, सुशीला, झगड़ालू, मुंहजोड़ या अशिष्ट, ठीक है। तो दोस्तों 26 का जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए होगा, सुशीला, ठीक है, सुशील। चलिए आगे देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, भगत के गंगा स्नान के लिए कितने रुपए की यात्रा पैदल की, ठीक है, 20 कोस, 30 कोस, 25 कोस या डी में दोस्तों 15 कोस। तो 27 का जो राइट आंसर होगा ना दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, का 30 कोस। देखिए 30 कोस इसका आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, भगत किसको अपना आदर्श मानते थे, कबीर को, जायसी को, तुलसी को या मीरा को। दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों 28 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन, 29। देखिए बाल गोविंद भगत क्या थे, ठीक है, साधु, गृहस्थ, भगत या कलाकार। तो इसका राइट आंसर होगा 29 का जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, गृहस्थ है। चलिए बाल गोविंद 30 नंबर देखेंगे, बाल गोविंद भगत किस किनके गीतों को गाते थे, कबीर अस्त साहब को, तुलसी का, राम राम, राम नाम को या इनमें से कोई नहीं। तो 30 नंबर का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, कबीर अर्थात साहब के गाते थे। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को आग किससे दिलाई। पहला ऑप्शन दिया है, देखिए दोस्तों इसका 2021 के सेकंड टर्म में दिया है, ठीक है, पहला ऑप्शन है पोते से या पोती से, पतोहू से, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पतोहू से, किससे, पतोहू से, ठीक है। तो दोस्तों अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको समय समय पर सभी विषय का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर अभी आप लोग 3 चैप्टर अभी तक नहीं देखे हुए हैं तो 3 चैप्टर का वीडियो बन चुका है, आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग देख सकते हैं। थैंक्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।